सर्कल स्टडी पोर्टल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास होने वाली है ईवीएस मैराथन, जिसमें हम लगभग 1000% देखेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं वहां से हमने इन क्वेश्चंस को उठाया है, यानी कि जो भी पिछले साल के जो क्वेश्चन हुए हैं, जो भी पेपर हुए हैं, चाहे वो सीटेट है, डीएसएसबी है, केवीएस है, कोई भी टीचिंग एग्जाम है या कोई भी एग्जाम जिसमें आपका पोर्शन आता है ईवीएस का, जीके का, वहां से हमने इन क्वेश्चंस को उठाया है। हमने 30 टेस्ट पेपर हम इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं ईवीएस के, पर्यावरण अध्ययन के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। तो ईवीएस की ये टेस्ट है पर्यावरण अध्ययन। टोटल टेस्ट इसमें जो होंगे वो होंगे आपके 30, यानी कि 30 टेस्ट होने वाले हैं इसमें। जो भी क्वेश्चंस हैं वो 10 साल के लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं वहां से हमने उठाए हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। इसके अलावा स्टडी पोर्टल आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है और हम आपको घर बैठे नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपने इलाके में बैठकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो इसके लिए आप डॉक्टर विजय सर के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8447410108। आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, हम आपको पूरी जानकारी वहां पर देंगे। जैसे कि सीटेट का मटेरियल अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको जैसे मिलता है हिंदी, हिंदी के साथ हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश, इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीडीपी वगैरह, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। डीएसएस भी है तो जनरल सब्जेक्ट प्लस जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट, इसी तरह केवीएस में जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके के आपको सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं कोरियर के द्वारा ऑल ओवर इंडिया। तो दोस्तों अगर आप पीडीएफ चाहते हैं किसी भी बुक की, आप अभी घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं और आप पीडीएफ चाहते हैं, तो सभी पीडीएफ्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ हिंदी पैडागोजी चाहिए तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ एसएसटी की पैडागोजी चाहिए वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ईवीएस के टेस्ट पेपर चाहिए, ईवीएस की बुक्स चाहिए, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर पाएंगे। हेल्पलाइन नंबर है हमारा ये 8447410108। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, अभी जुड़े हैं, तो आप अपना नेम, सिटी, सब्जेक्ट और एग्जाम, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है मनोज, सिटी है आपकी मान लीजिए देहरादून, सब्जेक्ट है आपका मान लीजिए एसएसटी, एग्जाम है आपका मान लीजिए डीएसएसबी, तो इस तरीके से आप अपना नाम, सिटी, सब्जेक्ट और एग्जाम लिखकर हमें हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, कि ये एसएमएस में सेव करना मुश्किल हो जाता है, ताकि हम आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लें और जैसे ही कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, कोई भी वीडियो आती है किसी भी सब्जेक्ट की, कोई भी टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज आती है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिल जाए। तो इतना सुनने के लिए थैंक यू। अब हम क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस देखेंगे। तो वन बाय वन हम 30 टेस्ट इस वीडियो में देखने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने टेस्ट सीरीज में इसलिए आपको रखा है कि टेस्ट पेपर, ताकि अगर आप जैसे कंप्लीट वीडियो एक बार नहीं देख पाते हैं तो आप बाद में देखें तो आपको याद रहे कि मैंने 2 टेस्ट कर लिए थे या मैंने 3 टेस्ट कर लिए थे, और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उसके नोट्स भी आप साथ साथ बनाते चले। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी नहीं है? तो मैं हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन करवाती हूँ हमेशा रिपीट करती हूँ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया है कौन सी विधि नहीं है, तो नहीं है आपको बतानी है, क्योंकि कई बार हम क्या होते हैं, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावशालीपूर्ण विधि, और कई बार हम इतना ही पढ़ के छोड़ देते हैं जो हम एग्जाम के प्रेशर में होते हैं। और अगर आपको बाय चांस पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आपको ऐसा मिल गया जो विधि है, तो आप गलत कर देते हैं एग्जाम में और आप उसी पे टिक कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में देखनी है, तो ऐसी वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान से पढ़ें, चाहे आपको 2 बार ही पढ़ना पड़े। तो प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी नहीं है, आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा, व्याख्यान विधि भी है, कहानी विधि भी है, समस्या समाधान विधि भी है, भ्रमण विधि, ये एक प्रभावशाली पूर्ण विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन में जब आप संग्रहालय आप म्यूजियम में जो भ्रमण करते हो वहां पर आप जाकर देखते हो तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है? क्या आप मनोरंजन के लिए जाते हैं? वहां पर आपको सरकारी योजनाओं का निर्वाह करना होता है इसलिए आप जाते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव के लिए जाते हैं या पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं? तो जो सबसे इफेक्टिव जो इसमें आंसर है वो है आपका आंसर थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है। प्रत्यक्ष अनुभव के लिए आप संग्रहालय भ्रमण के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मक, सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मक तो क्या बच्चों में तक के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों के रटने की प्रवृत्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, या फिर पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता को बढ़ावा देती है? तो आप अपना आंसर सोच सकते हैं और आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपको बताना है कि क्या आंसर रहेगा इसमें, तो बताइए थर्ड में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मक के प्रति रुचि का विकास करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन सा एक कारक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है? तो इसमें से आपको बताना है जो नीचे दिए गए ऑप्शन है कि इन ऑप्शन में जब आप ईवीएस शिक्षण करते हैं तो कौन से कारक है जो अभिप्रेरित शिक्षण को संकेत देता है? गृह कार्य बच्चों द्वारा पूर्ण करना, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में बच्चों की अधिकतम उपस्थिति, या फिर कक्षा में एक खामोशी। तो आंसर जो आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बच्चों द्वारा क्वेश्चन पूछना। जितने बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही पता चलेगा कि बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनके जानने की जो भावना है वो आपको पता चलेगी। अगला क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को हवा में भार होता है याद कराने के लिए वैज्ञानिक विधि के मुख्य सही चरण होगा? क्या एक साइंस जो टीचर है वो विद्यार्थियों को बताता है कि हवा में भार होता है और उसको अगर ये स्टूडेंट्स को बताना है तो कौन सी साइंटिफिक मेथड को वो यूज करेगा? वो आपको क्रम वाइज यानी कि सही चरण में बतानी है, सही सीरीज में आपको लगानी है। पहला ऑप्शन है समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। दूसरा है परिकल्पना, समस्या, प्रयोग, निष्कर्ष। तीसरा है प्रयोग, परिकल्पना, समस्या, निष्कर्ष। चौथा है समस्या, प्रयोग, परिकल्पना और निष्कर्ष। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका 1, समस्या, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष। नेक्स्ट, निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? निर्जलीकरण, तो आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, निर्जल यानी कि बिना जल के, तो आंसर आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। तो निर्जलीकरण में किसकी कमी होगी? बिना जल के, यानी कि किसकी कमी होगी यहाँ पर? आपकी जल की भी कमी होगी। और जल क्या है? लवण है, मिनरल्स बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट रहेगा, लवण और जल दोनों की ही कमी हो जाएगी क्योंकि जल लवण में आता है जो हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों ही अवस्था में पाया जाता है, ग्रेनाइट, पारा, पॉक्साइट या फिर जल। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका जल, तीनों ही अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में बर्फ यानी ग्लेशियर्स में आप देख सकते हैं, द्रव समुद्र में आपको पाया जाता है, गैस अवस्था में जब वो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण जब होता है तो आप गैस अवस्था में वहां पर उसको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम किससे मिलता है? रेशम कीट के अंडे से मिलता है, लार्वा से मिलता है, प्यूपा से मिलता है या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को ये तो पता है कि रेशम रेशम के कीट से मिलते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंडे से मिलता है, लार्वा से मिलता है, प्यूपा से मिलता है, और अगर इन तीनों में से ऑप्शन ठीक नहीं है तो किससे मिलता है? तो रेशम के कीट के प्यूपा से मिलते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि आप कोई भी बुक स्टडी कर रहे हैं
तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सिर्फ इतना आपके लिए लाभ नहीं है कि रेशम रेशम कीट से मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए किससे मिलते हैं। जिस तरीके के एग्जाम्पल में एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सब्जी का पार्ट है तो कहाँ मिलता है, जड़ से मिलता है, हम इसके पत्ते खाते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं, तो वैसे ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युगम ठीक है, तो ठीक है आपको बताना है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एक सिंह वाला गेंडा होता है और ये पार्क केरल में है। सेकंड, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है और इसमें दो सिंह वाला गेंडा होता है। थर्ड, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सिंह वाला गेंडा दरियाई घोड़ा मिलता है और असम में है, या फिर काजीरंगा पार्क मणिपुर में है और वहां पर दो सिंह वाला गेंडा मिलता है। तो अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि काजीरंगा कहाँ है तो आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे। तो काजीरंगा है असम में और वहां पर क्या मिलता है, एक सिंह वाला दरियाई घोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दसवां क्वेश्चन, पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है, जो पक्षियों की चोंच है वो किस पर आश्रित होती है, आपके पक्षियों के पंजों पर, पक्षियों के पैर पर, भोजन के प्रकार पर, या इनमें से सभी। तो जो पक्षियों की चोंच है वो आपकी डिपेंड होती है भोजन के प्रकार पर, या जो आप भोजन खाते हो उसके प्रकार पे डिपेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट लिखते हैं 11, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है, तो मनुष्य क्या खाता है, शाकाहारी जो सिर्फ मतलब पेड़ पौधे ही खाते हैं, पत्तों से मिले पेड़ पौधों से इनको खाना मिलता है, सर्वाहारी जो पेड़ पौधे भी खाते हैं, जंतुओं से जो खाना मिलता है वो भी खाते हैं, मांसाहारी जो मांस मछली मीट खाते हैं, या फिर शाकाहारी एंड सर्वाहारी। तो आंसर क्या रहेगा, जो मनुष्य है वो, अगर यहाँ पर इन तीनों में से आता कि इनमें से कोई नहीं है तो हम आंसर कर देते सर्वाहारी, लेकिन यहाँ पर शाकाहारी और सर्वाहारी भी, तो कुछ लोग शाकाहारी भी होते हैं, कुछ लोग सर्वाहारी भी होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं, जब संचार हमें करना होता है कम्युनिकेशन के लिए, जो सैटेलाइट हम स्थापित करते हैं वो कहाँ पे स्थापित करते हैं, समताप मंडल पे, धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, शोक सीमा, या फिर आयन मंडल से। तो आंसर आपका जो यहाँ पर करेक्ट रहेगा वो है कि धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट रहेगा, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है, तो कौन सी इकाई है जिसमें रक्त संबंधों का पाया अनिवार्य है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो उसमें जो ऑप्शन है वो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। yes. परिवार में, गांव में, समुदाय में, या पास पड़ोस में। तो यहाँ पे पूछे आपसे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपकी फैमिली में, तो परिवार आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीनों की संख्या होती है, जो आपको बतानी है, तो जो वो तीन है वो कितनी है, 12, 24, 16 या 20। तो अशोक चक्र में जो तीलियां होती है वो होती है 24 यानी कि 24। तो आंसर आपका जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा थर्ड। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें में से कौन सी ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत होगा, तो जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत यानी कि प्राइमरी सोर्स है, भोजन है, सूर्य का प्रकाश है, पौधे का तना, या फिर मनुष्य। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं, और उसके लिए उनको क्या जरूरत होता है, सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये उनको चाहिए होती है। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर उनका मेन प्राइमरी सोर्स होता है। तो आंसर जो आपका थर्ड है वो आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 16, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, इसमें आपको बताना नहीं है, तो एक जो अच्छा परीक्षण होता है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, वैधता नहीं है, वस्तुनिष्ठा नहीं है,
विषुण्णता नहीं है या फिर उत्तीर्ण करना नहीं है। तो आंसर जो आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा वो रहेगा 4, उत्तीर्ण करना एक अच्छी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से एक बचे श्रव्य सामग्री है, यानी कि आप उसको देख भी सकते हो और आप उसको सुन भी सकते हो, तो वो कौन सी सामग्री है इसमें से? टेप रिकॉर्डर, मॉडल, रेडियो या फिर भ्रमण। तो अगर आप टेप रिकॉर्डर की बात करते हैं तो आप उसको सिर्फ सुन सकते हैं, रेडियो से जब सिर्फ सुन सकते हैं वो बोल रहे, उसको आप देख नहीं सकते, मॉडल में आप देख सकते हैं सुन नहीं सकते। तो आंसर आपका रहेगा 4, यानी कि भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम है, जो ईवीएस है, उसमें आप अपने आसपास के परिवेश को जानते हो, एनवायरमेंट को जानते हो। तो इसके लिए आपका जो सबसे सरल माध्यम है वो कौन सा है? पुस्तकें, दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिकाएं या फिर अवलोकन। तो आंसर आपका जो यहाँ पर रहेगा वो क्या है? पुस्तकों से भी आप जानते हो, दूरदर्शन से भी जानते हो, समाचार से भी जानते हो, लेकिन एक आप अपने परिवेश के एनवायरमेंट को जो आपके आसपास है उन लोगों को आप कैसे जानते हो? अवलोकन। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य है, तो जो ईवीएस में उपचारात्मक आकलन होता है उसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को उत्तीर्ण करना, छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करना, छात्रों को अनुत्तीर्ण करना या फिर छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का पता लगाना। तो अंतर जो आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा वो है आपका सेकंड, यानी कि छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करना उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो बीजों का अंकुरण ये प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। अगर आपको बीजों का अंकुरण कैसे होता है वो आपको सिखाना है बच्चों को, तो आप उसको कैसे अच्छे से सिखा सकते हैं? पाठ्य पुस्तक से, श्याम पट पर नामांकित चित्र से, बीज और उसके पौधे से या फिर बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन। तो जब भी आपको किसी स्टूडेंट्स को कुछ चीज सिखानी होती है, कुछ दिखानी होती है, तो आप कैसे दिखा सकते हैं? आप उसको समझा सकते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा, यानी कि बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन। वो हर रोज प्रतिदिन डेली उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उससे वो ज्यादा चीजें अच्छे से सीख पाएंगे। एटीपी, एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, क्लोरोफिल यानी कि प्रणहरिण द्वारा, राइबोसोम्स द्वारा या फिर गोल्जी बॉडी द्वारा। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या रहेगा? एटीपी कैसे बनती है? एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लाल आंकड़ा यानी कि रेड डाटा बुक जो होती है इनमें किसके लिए चर्चित है? किसमें क्या होता है रेड डाटा बुक में? विलुप्त पौधे एवं प्राणियों के लिए होती है, विलुप्त पौधों के लिए होती है या संकट ग्रस्त पौधों के लिए होती है या फिर संकट ग्रस्त प्राणियों के लिए होती है? तो रेड डाटा बुक अगर आप लोग जानते हैं तो इसमें दोनों ही होते हैं, विलुप्त पौधे भी होते हैं और प्राणी भी होते हैं। तो विलुप्त इसमें होता है, ये आपको याद रखना है। यही जो संकट पे आ चुका है हाई अलर्ट, तो वो किसके लिए होगा? उसी के लिए जो विलुप्त होने की कगार पे है, तो उसके लिए ये है। अगला क्वेश्चन है कि एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है, रोगी को कौन से विटामिन की कमी के द्वारा लगातार रक्त बह रहा है? तो आपको इसमें बेसिकली क्या बताना है? आपको वो विटामिन बताना है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन है वो? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन जी या फिर विटामिन बी? तो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा आपका के, विटामिन के आपकी हेल्प करता है रक्त को थक्का जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलता है? तो जो प्लेग है वो कैसे फैलता है? मच्छर से फैलता है, बंदर से फैलता है, सुअर से फैलता है या फिर चूहे से फैलता है? तो ये जो आपका है वो फैलता है चूहे से। कौन सा रोग कैसे फैलता है, कौन
से जीवाणु से फैलता है, कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, कौन से वायरस से होता है। तो ये तरीके की दो वीडियो है धनंजय सर की, आप चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स भी है और आपका जो एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, बिल्कुल अच्छे से आपको आ जाएंगे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है, आपको बताना है कौन सा युग्म इसमें से ठीक नहीं है। तो खनिज तेल बायोगैस, जैव कचरा बायोगैस, पशु मल बायोगैस या फिर मानव मल बायोगैस। तो आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, यानी कि खनिज तेल और बायोगैस। फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका वो करेक्ट नहीं है। 25 का ऑप्शन है आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, जो निदानात्मक परीक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना, छात्रों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का पता लगाना, छात्रों की शारीरिक अक्षमताओं का पता लगाना, या इनमें से कोई नहीं। तो निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है वो है कि छात्रों की जो विशेष अधिगम संबंधी समस्याएं हैं उनका पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज यहाँ पर करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है, तो जो ईवीएस है उसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण करना, प्रदूषण उन्मूलन करना, या इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम जो आपका करेक्ट है वो क्या है, इसमें पर्यावरण से क्या करते हो बेसिकली? आप अपने जो आसपास है जो भी जीव जंतु है, प्राणी है, उसके बारे में आप जानते हो, क्या इंट्रेक्शन जरूरी है, बायोटिक एबायोटिक, तो वो सारी चीजें जानते हो। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं 28 की तरफ। तो ये थोड़ी सी हैवी पीडीएफ है इसलिए थोड़ा सा परेशान कर रही है। तो 28 क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। एक है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? तो आपको इसमें से बताने में कि कौन सा है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। निष्पक्षता, उदारमति, कारण तथा तथ्य में विश्वास और अंधविश्वास में रुचि। तो आंसर है आपका यहाँ पर अंधविश्वास में रुचि, ये साइंटिफिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 29 पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है वो क्या है? धनात्मक, परिणात्मक, गुणात्मक, ये से कोई नहीं। आंसर आपका जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा सेकंड, यानी कि परिणात्मक, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट टेस्ट पेपर के लास्ट पोर्शन यानी कि 30 की। पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता है? तो पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि है जिसको आप साइंटिफिक विधि के रूप में मान्यता देते हैं? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि यानी कि एग्जीबिशन। तो आंसर आपका जो यहाँ पर करेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका 4। तो इसी तरीके के 30 टेस्ट पेपर इसमें हैं जो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, तो फर्स्ट का स्कोर भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया। अब हम बढ़ते हैं पेपर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। परितंत्र में अजैविक एवं अजैविक और जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है कौन सी है? स्थायी अवस्था, जैव संरचना, खाद्य जाल या फिर कोश रीति। तो हमको आपको बतानी है कि जो आपकी एकोलॉजी है उसमें अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों ही घटकों के मध्य की जो योजना करी है वो क्या है? जैव संरचना, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, जैव संरचना। एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो पारितंत्र में आपके इकोलॉजी में कौन से घटक होते हैं? पादप प्राणी, जीवीय, मछली एवं मेंढक, मेंढक शेर। तो इसमें से आपको बताना है आंसर। तो बेसिकली क्या होता है, जैविक एंड अजैविक होता है यानी कि जीवीय और एज। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर में। प्रकृति में सिर्फ पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं,
नेचर इसमें क्या होता है कि जो सांप है वो पादपों पर जो निर्भर रहते हैं, जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन कीटों को खाते हैं। अगर मोर सांप को खाता हो तो मोर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक का प्रोडक्ट, पादपों का अंतिम प्रोडक्ट, या फिर खाद सूप का शेष। आंसर आपका यहाँ पर रहेगा फोर, यानी कि खाद सूप का शेष। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ, मित पोषणी यानी कि ओलिगोट्रोफिक झील का उदाहरण क्या है? तो मित पोषणी झील का उदाहरण इसमें से कौन सा है? कश्मीर की डल झील, ओडिशा की चिल्का झील, राजस्थान की साबर झील, या फिर दक्षिण भारत की उगी झील। तो आंसर आपका इसमें क्या रहेगा? आंसर आपका रहेगा इसमें जो है फोर्थ का ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड, राजस्थान की सांभर झील एक ओलिगोट्रोफिक झील का उदाहरण है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, या फिर 1 अगस्त से 7 अगस्त। तो वन महोत्सव उत्सव अगर आपको पता है तो मनाया जाता है जुलाई में, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लानोस तथा कैंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो जो लानोस और कैंपोज घास है वो किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? शीतोष्ण घास बायोम, उष्ण कटिबंधीय घास बायोम, टुंड्रा बायोम, या फिर टैगा बायोम। तो आंसर आपको जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा थर्ड, यानी कि टुंड्रा बायोम। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है। साल केरल में पाए जाते हैं, सागवान मध्य प्रदेश में, चिनार जम्मू कश्मीर में, और चंदन कर्नाटक में। तो कहां मिलता है, कौन सा जो आपको लगता है कि जो मिलान है वो सही नहीं है? तो आंसर है आपका फर्स्ट, केरल साल वाला, ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है जिसमें वनस्पति प्रधान होती है? ऐसे इकोलॉजी सिस्टम को, इकोसिस्टम को आप कौन सी संज्ञा देते हो? बायोम बोलते हो, फॉर्मेशन बोलते हो, नेक्टन बोलते हो, या फिर बैंथम बोलते हो? हम उसको बोलते हैं फॉर्मेशन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सा बायोम है कि जिसमें जो फर्स्ट उत्पादकता है वो सर्वाधिक पाई जाती है? रोम सागरीय बायोम, मानसूनी बायोम, विषुवतीय वन बायोम, या फिर टैगा बायोम? तो आंसर आपका जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा फोर, यानी कि टैगा बायोम। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? देहरादून में, हरिद्वार में, भोपाल में, अल्मोड़ा में। आपको बताना है कि कहाँ है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका जो करेक्ट आंसर है वो है भोपाल, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 11। महातनी, रोजवुड तथा आर्मस किस बायोम के वृक्ष हैं? तो आपको बताने हैं कि ये किस बायोम के पेड़ हैं? विषुवतीय वन बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, मानसून बायोम, या फिर टैगा बायोम? तो आंसर आपका जो रहेगा वो है इक्वेटरी जो फॉरेस्ट होते हैं, इक्वेटर फॉरेस्ट, यानी कि विषुवतीय वन बायोम। फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा दी जाती है? तो कनाडा में जो वन काटने वाले व्यवसाय करते हैं उन लोगों को आप क्या बोलते हो? लंबरजैक, लेप्चा, मसाई, या फिर एस्किमो? तो आंसर आपका रहेगा यहां पर एस्किमो, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। तो एक ही पर्वत श्रेणी में यह विविधता है उसका कारण क्या है? तो आपको ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, कुछ पहाड़ ऊंचे हैं, कुछ पहाड़ नीचे हैं। तो इसका जो अंतर है वो क्या होना चाहिए आपके बीच में वो आपको बताना है। तो पूर्वी हिमालय का जो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना है इसके लिए, यह पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है इसीलिए, यह पूर्वी हिमालय की चट्टानों का उर्वर होना, यह पूर्वी हिमालय का दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ना। तो आंसर जो आपका इसमें रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, यानी कि पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना। तो फर्स्ट
फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये देखते हैं कि उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आते हैं, शाकाहारी, परजीवी, मृतो परजीवी या ये सभी। तो आंसर जो आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि परजीवी। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं, परजीवी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं तो क्या होता है, उत्पादक अगर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो आंसर जो आपका यहां पर रहेगा वो आपका रहेगा फोर, यानी कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जैव मंडल जल थल व वायुमंडल कि कितने क्षेत्र में विस्तृत है, 1.4 किलोमीटर, 22 से 30 किलोमीटर, 114 किलोमीटर या फिर 11.4 किलोमीटर। तो आंसर जो आपका यहाँ पर रहेगा ये है 22 से 30 किलोमीटर, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं, जो विश्व के सभी भौगोलिक जो पारितंत्र है, परितंत्र है, उनको आप क्या कहते हैं, जैव मंडल बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं या आयन मंडल बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल, जहां पे स्थल मंडल भी होता है, वायुमंडल भी होता है और आपका जो है आयन मंडल भी होता है। तो तीनों मिलते हैं कहां पर, ये मिलते हैं आपके जैव मंडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, घरों में सात जाती सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने किसी के घर पर जाते हैं, किसी मोल में जाना है, अगर आपके घर में ये रखा है तो हो सकता है आपके घर पर भी रखा हो। तो जो नेचुरल, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम घर पर बना के रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा हम पेड़ पौधे भी होते हैं उसमें, थोड़ा सा पहाड़ भी बना देते हैं, आप वनस्पति उसमें लगाते हैं, मछलियां जिसमें होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। एक्वेरियम आप लोगों ने देखा होगा। तो आंसर आपका इसमें सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, जैतून की फसल है, जो जैतून की फसल है वो क्या है, उष्ण जलवायु की, शीतोष्ण जलवायु की, भूमध्य सागरीय जलवायु की या फिर टैगा जलवायु की। तो जैतून की फसल आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु की है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी बायोम में प्राणी जीवन, उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, बायोम विशेष की वनस्पति संरचना पर, सकल बायोमास पर, जातियों के संगठन पर, वनस्पति की संरचना, सकल बायोम एवं जातियों के संगठन। तो आंसर जो आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका फोर, वनस्पति की संरचना, सकल बायोम एवं जातियों के संगठन पर। नेक्स्ट, किस बायोम में चराई अनुकरण का पूर्ण विकास हुआ है, कौन सी बायोम में जिसमें की चराई अनुकरण का पूर्ण विकास हुआ है, सवाना बायोम में, टुंड्रा बायोम में, रोम सागरीय बायोम में या फिर शीतोष्ण घास यानी प्रेरी बायोम में। आंसर आपका यहाँ पर जो करेक्ट है वो है आपका सवाना बायोम में, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंजवन कहाँ विकृत है, कुंजवन कहाँ है, साइबेरिया में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उत्तरी अफ्रीका में या फिर अरब में। तो कुंज कहां पर आपका, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, कुंजवन है आपका उत्तरी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मेरठ व मुजफ्फरनगर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ओशन कटिबंधीय सवाना होते हैं यहाँ पर, घास के मैदान होते हैं, उपातंत्रिक सवाना होते हैं या फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती कुंजवन होते हैं। तो आंसर जो आपको यहाँ पर करेक्ट रहेगा वो रहेगा थर्ड, यहाँ पर रूपांतरित सवाना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउन साइनस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है, तो जो क्राउन साइनस है ये कहाँ होता है, शीतोष्ण वनों के पतझड़ के मौसम में, शीतोष्ण वनों में बसंत के दिनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में या फिर चपरा की झाड़ियों में। आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाले थर्ड, उष्ण वर्षा वनों में। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया था, भूगोल को किसके रूप में परिभाषित किया था, ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी ही हम इसमें समझते हैं बेसिकली। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। तो हम चलते हैं
नेक्स्ट पेज हो, एक सेकेंड अभी ऑप्शन हम देखते हैं। तो पैट्रिक गिडीस ने, हरोल्ड मैकलिडोर ने, हॉर्लोर बैरोज ने, या फिर एक हर्बर्टसन ने। तो अंतिम जो आपका यहाँ पर रहेगा वो रहेगा आपका थर्ड, हॉर्लोर बैरोज ने। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 26। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठन में नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो पर्यावरण के मूल संगठन में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? 26 में फोर ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, यानी कि थर्मिक, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, जो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है? वन है, रेगिस्तान है, घास के मैदान है, या फिर समुद्री है? तो जो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा आपको इसमें से लग रहा है? वो है आपका समुद्री। वन भी कभी खत्म हो सकते हैं, रेगिस्तान भी हो सकता है, कभी कुछ हो जाए जो जैसा होता रहता है इंटरनल स्ट्रक्चर में अपने, और कुछ ना कुछ अलग अलग होता रहता है। तो इसी तरीके से घास के मैदान भी और समुद्र जो है वो थोड़ा स्थायी है। अगला, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो आप कौन से बताने, इनमें से स्तंभ, अनुप्रण, पत्ता, या फिर प्रण वन। तो जो घट घटपर्णी है इनमें से बेसिकली क्या होता है? पत्ता, पत्ता में एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को हम पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, या भू रासायनिक चक्र। तो हम इसको बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? तो अफ्रीका की कौन सी जायरे बेसिन की जनजाति है जो पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाती है? लंबर जैक हो नहीं सकता, हम लोगों ने देख चुके हैं लंबर जैक क्या होता है। तो आंसर इसमें आपका है सेकंड, यानी कि पिग्मी। तो इसी के साथ आपका सेकंड पेपर जो है खत्म होता है, यानी कि 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं आंसर क्यों नहीं बोल दे रही हूँ, तो इससे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। बाकी जो बचे हैं जो साथ में पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं वो थोड़ा पीछे रह जाएंगे। आपको ये भी हो सकता है आपको लग रहा है यार बोर हो रहे हैं, तो आप पूरा 900 जब क्वेश्चन करेंगे और फिर उस दिन जब एग्जाम देने आप बैठेंगे उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी वो बोरियत भी आपको फील नहीं होगी। तो सीरियस है जिनको ये सीजेट क्लियर करना ही है वो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपनी कंप्लीट प्रैक्टिस जो है इस वीडियो के थ्रू करेंगे। तो नेक्स्ट है प्रैक्टिस नंबर थर्ड, बेसिकली 61 क्वेश्चन है ये। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, या फिर उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन कहां से संबंधित है? चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड से संबंधित है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति जब दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसमें से कौन सा रोग हो सकता है? तो अगर कोई बंदा सिर्फ दूध लेता है, अंडे लेता है और रोटी ही लेता है तो क्या कौन सा रोग होगा उसको? रतम भी, यानी कि विटामिन ए की कमी होगी, या फिर डेरी डेरी यानी कि विटामिन बी की कमी होगी, रिकेटस विटामिन डी की कमी हो जाएगी उसे, या फिर सकर विटामिन सी की कमी हो जाएगी। तो उसको बेसिकली विटामिन सी की कमी हो जाएगी और उसको रोग जो होगा सकर भी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। फूट एंड माउथ रोग निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? जो फूट एंड माउथ रोग है वो मवेशी में, भेड़ में, मवेशी में सूअर में, भेड़ या बकरियों में, या इन भी में। तो जो फूट एंड माउथ रोग है वो मिलता है आपका बेसिकली मवेशी एंड सूअर में, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट, भारतीय गाय के दूध में पर्ण पीतक यानी कि कैरोटीन होता है जिसके कारण क्या बनता है? तो आंसर में क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा है पर्ण पीतक। पीतक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप आंसर बता पाएंगे। बिल्कुल सफेद रंग का होता है पर्ण पीतक के कारण, पीला रंग होता है, गहरा पीला रंग होता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप सभी को पता होगा गाय का दूध होता है पीले रंग का होता है या हल्का पीला होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। किस विटामिन की कमी से घावों से रक्त का बहना नहीं रुकता? ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुकी है, तो इसमें थोड़ा सा घुमा के था वो क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सा विटामिन है जिसमें खट्टा जमाने में मदद करता है? तो वही करेक्ट ऑप्शन होगा और वो है विटामिन के। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो चूहों कौन सा फैलाते हैं? चेचक, मलेरिया,
प्लेग या तपेदिक। तो चुप कराते हैं, प्लेग ये क्वेश्चन भी हम कर चुकी हूँ जो पूछा गया था कुछ अलग तरीके से कि प्लेग कौन से जंतु द्वारा फैलता है। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? शुरुआती उम्र में परिवार या मित्रों से सीखना प्राथमिक समाजीकरण आप उसको बोलते हो, या फिर किशोर अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना। तो अंतिम जो आपका रहेगा शुरुआती उम्र, प्राथमिक समाजीकरण आपका कब होता है? जो छोटे होते हो आपके जो चारों तरफ जहां से आप सीखो, तो प्राथमिक उम्र में शुरुआती उम्र से सीखते हो अपनी फैमिली से अपने फ्रेंड से, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल इनमें से कौन सी नहीं है वो आप तभी बता पाओगे जब आपको डिफरेंस बताओ कि रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, किस मौसम में उगाई जाती है, किस मौसम में काटी जाती है, तभी आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गेहूं, गन्ना या फिर मक्का। आंसर जो आपका करेक्ट है वो है गेहूं। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है क्योंकि गेहूं रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? तो कौन सा पदार्थ है जो बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होगा? पशुमल, जैव कचरा, खनिज तेल या फिर मानव मल। आंसर आपका रहेगा मानव मल को बायोगैस में आप यूज नहीं करते हो, जैसे कि उसमें जैव इंधन पशुमल खनिज तेल आप यूज करते हो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता होना चाहिए, आई एम श्योर आप सभी को जरूर पता होगा। तो वास्तविक आंसर जो आपका बनेगा मोर, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो फूड चेन होती है उसमें ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है? एक विषय, चक्रीय, बहुविषय, उभयविषय। तो जो फूड चेन होती है उसमें जैसे क्या होता है एक दिशा में कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको डिपेंडेंट है, ये इसको डिपेंडेंट है, तो इस तरीके से आपकी एक विषय एक दिशा में फूड चेन होती है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जो उसकी एनर्जी का जो आपका प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? वनस्पति, परमाणु ऊर्जा, भोजन या सूर्य का प्रकाश। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा सही, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन में अपशिष्ट कौन सा होता है? मानव के शरीर में जो नाइट्रोजन में अपशिष्ट है वो यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक कमल है, अमोनियम नाइट्रेट है, तो वो है आपका यूरिया। फर्स्ट ऑप्शन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू कीटों का नियंत्रण होता है, जो घरेलू कीट है उसका नियंत्रण कैसे होता है? माइक्रोवेव से, अल्ट्रासोनिक से, सबसोनिक से या कम आवृत्ति की रेडियो वेव द्वारा। तो फोर्थ का ऑप्शन होता है अल्ट्रासोनिक, यानी कि जो सूर्य से किरणें आपको मिलती है वो उनसे भी काफी जीव जीव जंतु है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उनका नियंत्रण होता है, वो कंट्रोल मैनर में रहते हैं। कुछ ऐसे जवानों के दिखाई नहीं देती लेकिन सूरज की रोशनी उनको मारने में मदद करती है, ज्यादा फैलने नहीं देती है। तो ये एग्जांपल आप कभी भी अपने घर में देख सकते हैं, अगर ऐसा एरिया है जहां पर धूप आती रहती है वो एरिया आपको भी थोड़ा अच्छा मिलता है, और जहां पर बिल्कुल धूप नहीं आती, जहां पर छाव हो रही, सीवन होगी, ठंड हो रही, तो वहां पर वजह से कॉकरोच, आपके जो खटमल या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। छुट्टी, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था ये आपको बताना है। तो किसने किया था ये? ओचार ने, कोंडोर ने, तो किसने किया था? इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आंसर जो आपका करेक्ट है वो है आपका कोंडोर, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 1676 क्वेश्चन टू आर सीरीज। तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कुछ ऐसी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर अपने मोबाइल पर मिल जाए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया नेटवर्किंग पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, आपसी कॉम्पिटिशन में और आपको भी पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, ये कथन किसने कहा था? ये हमारा 16 क्वेश्चन, तो आपने आंसर बताना है। ऑप्शन है पावलो, पियाजे, कोटलबर्ग या फिर स्कीनर। तो आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका सेकंड, यानी कि पियाजे ने, सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, स्तर पर व्यापक मूल्यांकन की तकनीक क्या है? स्तर मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन,
निर्णात्मक मूल्यांकन या फिर इकाई मूल्यांकन। तो आंसर जो आपका यहाँ पर रहेगा वो आपका रहेगा सेकंड अर्धवार्षिक मूल्यांकन। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? एक अच्छा परीक्षण जब बोलते हो तो उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? दृढ़ता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या फिर उत्तीर्ण करना। तो क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा फोर, उत्तीर्ण करना। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए कि छात्र जो है रट्टा ना लगाए, वो समझे चीजों को और फिर ऑब्जर्व करें फिर सीखे। तो अगर आपको रटने की प्रवृत्ति को छुटवाना है तो आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? वस्तुनिष्ठ पूछेंगे, लघु उत्तरीय, वर्ग उत्तरीय, निबंधात्मक। तो आप जो पूछेंगे वो पूछेंगे जैसे वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो आपके एक लाइन में कुछ वर्ड्स में वस्तुनिष्ठ आप पूछेंगे ताकि वो रटन लगे, उनको पता आपको पता चले कि वो कितना हमको समझ आ रहा है। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। अगर आप पौधों के विभिन्न भागों को शिक्षण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं अच्छे से, तो क्या आवश्यक है? क्या पाठ्य पुस्तक से समझ आ जाएगा? पौधों का अवलोकन करने पर समझ आ जाएगा? ब्लैकबोर्ड पर लिखने से समझ आ जाएगा? या आप किसी पौधे का डायग्राम दिखा दोगे तो समझ आ जाएगा? तो जो इसमें से बेस्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, यानी कि पौधों का अवलोकन करके ऑब्जर्व करके ही आप समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। अरे इसमें जो है जेंडर बायस नहीं है कुछ भी क्वेश्चन, तो आपको जनरल बताना है इसमें क्या होता है कि जो बॉयज है क्या वो लड़कियों की अपेक्षा, गर्ल्स की अपेक्षा ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? क्या ये सही है या सही हो सकता है? या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? तो आंसर है आपका फोर, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये आपको देखने को भी मिल सकता है, आप देख सकते हैं कि 18 में 20 में मतलब जो एक लेवल होता है वहां पर जो है लड़के ज्यादा मैच्योर होते हैं एज कंपेयर टू लड़कियां। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? जो EV 5th standard तक कैसा विषय है? इंटीग्रेटिव यानी कि एकीकृत, उप विषय यानी कि सब सब्जेक्ट है, संयुक्त यानी कि कोऑर्डिनेट करना है या फिर वैकल्पिक यानी कि ऑप्शन है। तो जो 5th class तक जो ईवी सब्जेक्ट रहता है वो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो एकीकृत है यानी कि इंटीग्रेटेड है आपके सब्जेक्ट के साथ, आपके पाठ्यक्रम के साथ, आपके सिलेबस के साथ। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य विषय है। तो अगर आप नहीं है और ये सब पढ़ा रही है बच्चों को, तो उसमें जो आप क्षेत्र भ्रमण करवाते हैं तो उसका मुख्य विषय क्या होता है? पिकनिक मनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, सरकारी योजनाओं पर निर्वाह करने के लिए। आंसर जो आपको करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर थर्ड। अगला क्वेश्चन 24, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभाव शामिल है? कौन सी विधि से आप जो प्राइमरी स्टेज पे जो बच्चे होते हैं उनको आप अच्छे से समझा पाते हैं? कहानी विधि से, योजना विधि से, व्याख्या विधि से या फिर वाद विवाद से? तो आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका कहानी विधि से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत कौन सा होता है? कक्षा में एकदम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या फिर दृढ़ कार्य पूर्ण करना? तो आंसर आपका इसमें जो करेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा सेकंड, यानी कि बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, ये एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 26, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का घटक इनमें से कौन सा नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल या फिर सौर मंडल। तो ईवीएस में जो प्रमुख घटक है इनमें से जो नहीं है वो क्या है? वो है आपका मानव, क्योंकि जो बनाते हैं घटक बेसिकली ईवीएस वो क्या है? जलमंडल, सौर मंडल, वायुमंडल, ये सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। फर्स्ट ऑप्शन ये है, बाकी भी ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आंसर आपका यही है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बेसिकली बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो तब तक आपने अगर
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और साथ में विजय सर का नंबर है जहाँ पर आप अपना स्टडी मटेरियल घर बैठकर घर से भी स्टडी कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठकर आप किसी भी एग्जाम को तैयारी करके आप जो है क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी हिल स्टेशन में रहते हैं, किसी भी पहाड़ पे रहते हैं, कहीं पे भी दूर रहते हैं, तो आपको स्टडी मटेरियल कोरियर के द्वारा आप तक पहुंचा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव करेंगे? अगर आपके बच्चों को बोलना है कि आप चैनल देखें ईवीएस के लिए, तो आप कौन सा चैनल उनको बोलेंगे? देखिए नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा? आप जो बच्चों को बोलेंगे वो आप क्या बोलेंगे, इनमें से कौन सा देखेंगे? इनमें से एनिमल प्लैनेट देख सकते हैं, इनको कुछ डिस्कवरी कुछ चीजें मिलेंगी, ज्योग्राफी से कुछ मिलेगा, लेकिन जो बेसिकली अगर हम बोले कि इंग्लिश के लिए स्पेशल चैनल, तो वो इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया? अगर आप बिहार स्टेट की बात करें तो इंग्लिश के शिक्षण का किसने किया, क्या किसने किया, तो आपको पता होगा एक सेंट्रल में है अपना सीबीएसई, बाकी हर एक स्टेट का अपना है, जैसे हरियाणा का हरियाणा से है, यूपी का यूपी बोर्ड से, बिहार का बिहार बोर्ड से है, तो बेसिकली कौन डिसाइड करता है इन पाठ्यक्रम को? अलग अलग जिन्हें हम अलग अलग है, तो बेसिकली कौन करता है? स्टेट, तो स्टेट ये SCERT से थर्ड ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट रहेगा, यहाँ पर SCERT ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 हो, यानी कि 90वां क्वेश्चन ये है आज का, तो 90वां जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है, अगर आपको बीज अंकुरण पढ़ाना है तो अवधारणा का कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो चलते हैं पेपर नंबर 4 यानी कि 91 क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कौन सा पाठ्यक्रम है जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, पेट्रोल का जलना, या फिर वनस्पति का वायवीय? तो आंसर आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, कौन सा आपका करेक्ट रहेगा वो है आपका सेकंड, यानी कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्रकाश संश्लेषण बनने नहीं देता है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, संकट ग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है? तो किसमें दर्शाया जाता है? ब्लू, यानी काली, लाल या हरी? रेड, रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? तो ग्रीन हाउस गैसें सबसे ज्यादा कौन जो है उत्पन्न करता है? कवक, केचुआ, जीवाणु या हरे पौधे? तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका, जीवाणु। आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाए? कौन सा पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? रिड्यूस, रिबिल्ड, रेस्ट्रिक्ट, रैंडम, रिड्यूस, रिकॉल, रजिस्टर, रिकॉल, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो पर्यावरण के अनुकूल किसको माना जाता है? रिसाइकिल तो हमने माना है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है कि रिड्यूस करें किसी भी चीज को, अगर आपको यूज नहीं हो रहा उस चीज का तो कम से कम यूज करें, अगर मैंडेटरी नहीं है उसको यूज करना, अगर आप उसको कर सकते हो तो जो भी चीज है तो उसको रीयूज करें, और रिसाइकिल चीजों को आप हमेशा यूज करें।
पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध तीन शब्द कौन से हैं? पीपल पॉवर्टी पॉलिटिक्स, पावर प्रोडक्शन पॉल्यूशन, पॉपुलेशन पॉलिटिक्स प्राइस, पॉपुलेशन पॉवर्टी पॉल्यूशन। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? इसमें भी आपका पॉपुलेशन पॉवर्टी पॉल्यूशन, ये आपके जो है सबसे फेमस है थे थी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? जैव आवर्धन का किसमें निहित है? विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं, सजीव प्राणी आवर्धित होते हैं, प्रकाश आवर्धित होते हैं, या फिर भोजन आवर्धित होते हैं। तो सिक्स आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, कि विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों में अगर उनके पर्यावरण के संबंध में आपने अध्ययन करना है तो उसको आप क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान, बहुपद विज्ञान, कीट विज्ञान, या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान। तो आंसर आपका रहेगा फोर, पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान को बल्कि जीव समुदाय में उनकी प्रकार्यात्मक भूमिका को भी वर्णित करता है? इकोनिच, इकोजोन, इकोसिस्टम, आवास क्षेत्र। आंसर आपका रहेगा सेकंड, यानी कि इको सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सी शाखा है जिसमें की पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो है आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका करेक्ट है थर्ड, यानी कि इकोलॉजी, इकोलॉजी हम उसको बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन, फूड चेन में जो सबसे निचला स्तर है वो क्या है? उपभोक्ता, उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है वो आपको बताना है। टेंथ का ऑप्शन जो आपको यहाँ पर करेक्ट है वो है आपका थर्ड, यानी कि उत्पादक। नेक्स्ट देखते हैं 11, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना है कि कौन सा पेड़ है जो यहाँ पर इसमें से करेक्ट है। प्राथमिक उत्पादकता तेंदुआ है, द्वितीय उपभोक्ता घास है, तीसरा घटक बैक्टीरिया है, और उत्पादक हिरण है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें जो जोड़ा सही है वो है आपका थर्ड, यानी कि अपघटक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा पीडीएफ लेकर, नंबर 12 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एक उत्पाद एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला में निम्न में से कौन सी है? कौन सी है इसमें? घास, कीट, हाथी, पादप खरगोश, बाघ, मछली, कीट है, खरगोश, उल्लू। तो कौन सा आपका जो ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा? इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है आपका 12 का ऑप्शन है आपका करेक्ट सेकंड, यानी कि पादप खरगोश और बाघ, सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संकटापन जाति है जो संकट में है? बाघबो, भरा, गन डॉल्फी, मिथुन। तो आंसर जो आपका करेक्ट है वो आपका गन डॉल्फी, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक फिक्सेटर कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर आप किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, कवक को, या फिर हरे पौधों को। तो 14 का जो आपका आंसर है वो आपका फोर्थ, यानी कि हरे पौधों को बोलते हैं, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? तो कौन सी है?
या आपको बताना है स्वपारिस्थितिकी यानी कि ऑर्टिकोलॉजी, समपारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी या फिर जीवाश्म की। तो आंसर जो आपका करेक्ट है वो आपका स्वपारिस्थितिकी यानी कि ऑर्टिकोलॉजी। 16 देखते हैं, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो कौन सा वर्णक है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है? क्या होता है वर्णक, वनस्पति में कौन सा वर्णक होता है? वनस्पति में जो होता है वो होता है आपका कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड है जो पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जापान में पाया गया यूशु रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो कौन सा प्रदूषण से संबंधित है जापान में पाया गया यूशु रोग? पीसीबी, अमल वर्मा, कैडमियम या पीएम? तो अमल वर्मा वर्षा यानी कि एसिडेन तो किससे है? तो 17 का जो ऑप्शन है वो आपका पीसीबी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे स्थायी कौन सा है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। तो इनमें से कौन सा आपका है? महासागर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? तो कौन सा कारण है जिससे कि जल का जो है भारी धातु प्रदूषण होता है? पेंट से, अमल सीमेंटर से, लकड़ी जलाने से या घरेलू मलजल से? तो ऑप्शन में जो आपका करेक्ट वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो सोचिए कौन सा होता है। आंसर जो आपका करेक्ट है वो है आपका फोर यानी कि घरेलू मलजल। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है। तो अगर जो जलीय जीव है वो जीवित रहे, वो उनके लिए जो है एक अनुकूल वातावरण बना रहे, तो जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका स्तर कितना होना चाहिए, कितनी मिलान होनी चाहिए एक लीटर में, वो आपको यहाँ पर बताना है। 4 to 6, 2 to 4, 8 to 10 या फिर 12 to 16। तो आंसर जो आपका करेक्ट है वो है आपका यहाँ पर फर्स्ट यानी कि 4 to 6 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, जो एक कृत्रिम पारिस्थितिक यानी कि आर्टिफिशियल इकोलॉजी अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कैसे करें? मत्स्य पालन तंत्र द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा या फिर जल जीव शाला द्वारा? तो कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट रहेगा? 4, जल जीव शाला द्वारा। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर आप सबने सुना होगा। तो कैसे होता है वो? एसिड रेन से, रेडियोधर्मिता से, विश्वव्यापी तापन से या फिर जीवाणुविक क्रिया से? तो आंसर जो आपको यहाँ पे करेक्ट है वो है आपका फर्स्ट, एसिड रेन से होता है स्टोन कैंसर। निम्नलिखित में से किस में वाताशय नहीं होता है? वाताशय में नहीं होता है कटल मछली, अस्थिर मछली, उपास्थिनस मछली या फिर रजत मछली? आंसर जो आपका करेक्ट है वो है आपका यहाँ पर थर्ड यानी कि उपास्थिनस मछली, थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर भी हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं 24 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 आई गेस नीचे है, तो एक मिनट हम देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर 24 पेपर नंबर 4 हम कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, टोटल 900 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब हम प्रैक्टिस जो पेपर है 4 उसके हम 24 क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 24 क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार कंफर्म देख लेते हैं कि ये यही है। देखना है क्वेश्चन पेपर नंबर 4। यस, हम नीचे एक स्टेप नीचे चले गए थे। तो 24th क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपाई नहीं है? तो कौन सा जंतु स्तनपाई नहीं है? गाय, शार्क, चमगादड़ या फिर चूहा? तो 24th का आंसर आपका रहेगा चूहा स्तनपाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्रायः सर्वध्वनि को सुन सकता है?
राशि से बिल्ली को कौन से जंतु सुन सकता है? चूहा, बिल्ली, गिलहरी, चमगादड़। कौन से जॉब का यहाँ पे करेक्ट रहेगा? वो रहेगा आपका फोर्थ, यानी कि चमगादड़। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। अगर हम जो प्राणियों के वैज्ञानिक जो साइंटिफिक नेम आपने सुने होंगे, तो कौन सी लैंग्वेज में हम लिखते हैं? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या फिर डच? तो हम लिख बेसिक लैटिन में। सेकंड ऑप्शन पर आपका करेक्ट है। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? जनन से, श्वसन से, उत्सर्जन से या पाचन से? तो हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? स्तनपायी थे जो लुप्त हो गए, या विशाल शाकाहारी जंतु थे जिन्होंने हिप्पोपोटामस जाति को जन्म दिया? आगे दो ऑप्शन है, अंडा देने वाले स्तनपायी थे या सरीसृप थे जो लुप्त हो गए? तो आंसर है जो आपका फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, सरीसृप जो लुप्त हो गए। 29th मछलियों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नटों का जो जैविक नियंत्रण है उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? डीडीटी, तेल, विलेप, गंबुसिया। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा? आपका ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो है गंबुसिया। सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। 30th question, जीवित कोशों में रेडियो धर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? अपकेंद्रण, वर्णलेखिकी, क्रोमेटोग्राफी या फिर सबटीवीटी किरणी चित्रण, ऑटो रेडियोग्राफी या उपरोक्त सभी? तो आंसर है आपका थर्ड, सबविकिरणी चित्रण या ऑटो रेडियोग्राफी। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। प्रैक्टिस पेपर 5th हम देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1st जो आपका है वो क्या कहता है, यानी कि हम एक तरीके से हम कर रहे हैं 121 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 121वें क्वेश्चन पर अब हम हैं। खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव है, जो खाद्य श्रृंखला है फूड चेन है उसके अकॉर्डिंग, और हम पूछा गया कि सर्वाहारी जीव कौन से हैं, तो वो आपको बताना है। तो मनुष्य इनमें से सर्वाहारी जीव है, तो चुनाव यहाँ पर करेक्ट है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जो निचली परत है संपात मंडल, आयनबल, शोभ मंडल या फिर शोभ सीमा? तो आंसर क्या है? शोभ मंडल सबसे निचली परत है। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षक थे, लेखक थे, मुख्यमंत्री थे, राजनेता थे? तो ये बेसिकली क्या थे? पर्यावरण संरक्षक। ये ऑप्शन। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? कीट कैसे होंगे? दो जोड़े कुछ होंगे, तीन जोड़ी टांगे होंगी, ट्राकिया होगा या फिर ये सभी होंगे? तो कीट की पहचान अगर आपको करनी है तो उसके तीन जोड़ी टांगे होती है। सेकंड ऑप्शन आपका है एक 15 गज डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग में डीएनए खंडों को जोड़ने वाला उत्तरदायी एंजाइम। तो एंजाइम आपको बताना है कौन सा है। एंजाइम है बेसिकली रेसाट्रिक्सन एंडोन्यूक्लियस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट रहेगा? इसमें से करेक्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यकृत से संचारित होने के बाद रक्त में किसकी मात्रा अधिक होगी? अगर यकृत से संचारित होगा तो उसके बाद रक्त में किसकी मात्रा अधिक होगी? यूरिया की, ऑक्सीजन की, लाल रुधिरण की, कार्बोहाइड्रेट की? तो आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि यूरिया की। आंखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता होती है, आंखों में पुतली के व्यास को बड़ी क्षमता होती है, तो उसको आप किससे होती है? विटियन ह्यूमर से, एक्वेस ह्यूमर में, सिलियरी पेशियों में या फिर आयरिस में? तो जो ये क्षमता होती है ये होती है आपकी आयरिस में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? विटामिन ए, वसा, लोह तत्व या फिर प्रोटीन? या आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जो लोह तत्व है उसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है, मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तपेदिक, डेंगू, खसरा, चेचक? आंसर आपको पता ही है, डेंगू पूरा बहुत मिल ही रहा है, तो आपको डेंगू आंसर है थर्ड। ले लद्दाख का मुख्य जीव है, ले लद्दाख में मुख्य जीव कौन सा है? बाई, हाथी, या फिर ऊंट? तो आंसर आपका यानी कि या। आपसी संबंधों की वह इकाई जिसके मध्य रक्त संबंध पाया जाता है,
आपसी संबंधों की वह कौन सी इकाइयां जिनके मध्य रक्त संबंध पाए जाते हैं? समूह, परिवार, समुदाय, संप्रदाय। तो आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा थर्ड, यानी कि परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब यह प्रबल होता है, सुख होता है, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, या फिर यह न प्रबल होता है और नहीं सुप्त होता है। तो आंसर जो आपका यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बायोगैस का निर्माण होता है? तो बायोगैस का निर्माण किस में होता है? औद्योगिक कचरों में, अकार्बनिक पदार्थ में, खनिज तेल में, मत कार्बनिक पदार्थ में। तो इसमें से कौन सा होता है आपका, वो आपको बताना है। तो आंसर आपका होता है इसमें सेकंड, अकार्बनिक पदार्थ में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। आम की कौन सी प्रजाति का संबंध बिहार राज्य से नहीं है? तो आम की कौन सी प्रजाति है जो बिहार में नहीं पाई जाती है? सफेद, चौसा, जुड़ालू या फिर बंका। आंसर कौन से इसमें करेक्ट है आपका? आंसर है आपका इसमें चौदवा का, नाम चौदवा का फोर्थ ऑप्शन आपका बंका। नेक्स्ट, मानव की उत्पत्ति किस में हुई? पैलियोसीन युग में, मायोसीन युग में, प्लास्टियोसीन युग में, या फिर ओलिगोसीन युग में। आंसर आपको सुनाना है तो आंसर आपका है थर्ड, यानी कि प्लास्टियोसीन युग में, थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, छात्र की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है इकाई परीक्षण में, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से, निबंधात्मक परीक्षण से, या फिर निबंधात्मक परीक्षण से। तो आंसर आपको जो करते होगा ए, इकाई परीक्षण से। नेक्स्ट, आसपास की किसी समस्या के समाधान हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो कौन सी विधि सर्वोत्तम है आपको यहाँ पर बतानी है, तो विधि क्रियात्मक अध्ययन इसमें सर्वोत्तम है। क्वेश्चन है, स्तर एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है? तो ये स्तर एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? गुणात्मक, निगमनात्मक, यानी से कोई नहीं। तो आंसर जो आपका है वो है आपका परिणामात्मक, थर्ड ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन में अति परीक्षण के गुण है वैधता, सहजता, वस्तुनिष्ठता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका इसमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय के रूप में किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? पांच तक, तीन तक, आठ तक, पूर्व प्राथमिक तक। तो पर्यावरण अध्ययन अगर आप एकीकृत विषय में पढ़ाते हो, एक स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हो, तो वह आप पढ़ाते हो फिफ्थ तक, कक्षा पांच तक। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य सामग्री में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यह आपको बताना है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें इस ग्रह का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन विकसित करना, आलोचनात्मक चेतन शक्ति विकसित करना, या फिर तर्क शक्ति का विकास। तो इसमें से जो आपका करेक्ट रहेगा आंसर वापस करने की कौन सा है, तो ऑप्शन बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। योजना विधि के मुख्य सोपान है, योजना विधि के मुख्य सोपान क्या है? आंकड़ों का संकलन, समस्या की पहचान, निष्कर्ष समाधान, या फिर समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष समाधान, या फिर आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष, समस्या की पहचान, समाधान, समस्या की पहचान, निष्कर्ष, आंकड़ों का संकलन, समाधान। आंसर जो आपका करेक्ट है वो आपका सेकंड, समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष, समाधान। अंग्रेजी की कई का पर्यायवाची है,
उपांग आदि है, पाठ्यकाल, परिचर्चा। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा? आपका रहेगा सही पाठ्यकाल। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा उचित उपकरण नहीं है? स्तर परीक्षा, मौखिक परीक्षा, या दो ऑप्शन और है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। चलते हैं ऊपर थोड़ा सा और फिर देखते हैं दो ऑप्शन क्या है। कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? भूगोल, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, तीनों में मिलेगा। जो नहीं है इंक्लूड वो क्या है आपका? 25 का फोर ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिहार राज्य में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का निर्माण किसने किया? तो किया स्केट ने, SCERT ने। नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को किस विधि के उपयोग से बचना चाहिए? व्याख्यान विधि, योजना विधि, समस्या समाधान विधि, या फिर ध्यान विधि? कौन से लापना पर से की योजना विधि। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण से सामंजस्य बनाए रखना आपको, या फिर तीन ऑप्शन और है वो भी हम देख लेते हैं कि क्या है तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन में है आपका जी संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका इसमें फर्स्ट है, इसमें बेसिकली आपका आंसर और फर्स्ट आपका पर्यावरण से सामंजस्य बनाना। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कार्यक्रम आता है तो वो क्या है? भक्ति संगीत, जनवन, नया सवेरा, या फिर कृषि दर्शन। उस चैनल का नाम है नया सवेरा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेपर यानी कौन सा कंसेप्ट पर्यावरण अध्यापन में सम्मिलित नहीं है? परिवार, मानव, वातावरण, अर्थतंत्र। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? बेसिकली हम इसमें प्रत्यक्ष परिवार का नहीं पढ़ते, उसके बारे में बाकी चीजें पढ़ते हैं, वातावरण और जो आपका सोसाइटी है, आपके समाज है, वो सब पढ़ते हैं। तो पर्यावरण इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें यहाँ पर करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन जो हो गए हैं कंप्लीट, वो हो गए हैं 150 क्वेश्चंस। तो 150 हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो हम करेंगे बाकी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं पेपर नंबर 6 पर हम चलते हैं। तो 6 जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 6 में क्या है। तो प्रैक्टिस पेपर 6 की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए हम करने वाले हैं अभी 151 क्वेश्चन। तो चलते हैं 151 क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी सी हैवी है टाइम, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा ली जाती है? बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है आपको बताना है कि कौन सी परीक्षा ली जाती है। जल प्रदूषण को कैसे मापते हैं, जैसे कि अभी जो दिल्ली का में बोला गया था कि यहाँ पर जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, लेकिन फिर आप पार्टी ने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि नहीं है, तो वो किस प्रक्रिया से मापते हैं वो आपको यहाँ पर बना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी है? तो कितना प्रतिशत है कार्बन डाइऑक्साइड? यह है 0.03। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुख्यतः कहाँ होते? जंगल अग्नि से होती है, जीवों के अवशेषों से, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, या फिर कारखानों के धुएं से। तो ये बेसिकली जीवों के अवशेषों से होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। पृथ्वी पर ओजोन परत लगभग कितनी ऊंचाई पर है? जो पृथ्वी पर जो ओजोन परत है वो कितनी ऊंचाई पर है ये आपको बताना है। तो ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो है आपकी 25 से 40 किलोमीटर। तो आंसर 3 आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? CH4,
ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। प्रदूषण को रोका जा सकता है, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? वाहित मल के सुधार से, विद्युत चालित वाहनों के निर्माण प्रयोग से, परमाणु विस्फोट को रोककर, सभी से। तो प्रदूषण को जो रोका जा सकता है वो आप चाहे तीनों ही जो उपरोक्त ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रकाश रासायनिक स्मोक के प्रभाव से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घटता है, ओजोन स्तर का विघटन होता है, ओजोन स्तर और घना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। तो आंसर जो आपका यहाँ पर करेक्ट है वो है आपका सेकंड। तो जैसे जैसे स्मोक होगा ओजोन स्तर का विघटन होता है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने का कारण बनती है, लाभदायी है क्योंकि जेट विमान के यात्रियों को O2 की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है, या फिर पृथ्वी पर UV यानी कि अल्ट्रा जो किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को कम करती हैं। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा वो आपका डी है। तो ओजोन क्या करता है, यूवी किरणों को नीचे नहीं आने देता है, उसको प्रभाव को कम करता है। पर्यावरण में होने वाली परिवर्तनों के अध्ययन से संबंधित है, जो पर्यावरण में जो भी अध्ययन होते हैं वो किससे संबंधित है? UGC करता है, CSIR करता है, NIRI करता है या फिर DST करता है? तो आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा वो है आपका NEERI, NEERI ये सेक्शन करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। महानगरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है, महानगरों में जो वायु प्रदूषण होता है वो किसके कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर पराकण किससे होता है बेसिकली ये आपको बताना है। तो बेसिकली होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO। सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी के विकिरण से प्रक्रिया होती है जिसमें उत्पादित होता है, तो सूर्य की किरणों से जो पराबैंगनी विकिरण होती है उससे क्या उत्पादित होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा एक बार देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, CO, SO2, O3 या फ्लोराइड। तो आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा रहेगा ओजोन, O3 आंसर इसका करेक्ट है आपका। विश्व में प्रकाश रासायनिक स्मोक प्रथम बार कहां पर प्रेक्षित किया गया? तो प्रथम बार यानी कि फर्स्ट टाइम जो स्मोक रासायनिक स्मोक स्थापित किया गया तो कहां किया गया वो आपको यहां पर बताना है। तो आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका लॉस एंजल्स, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। सामान्यतः उपयोग में सामान्यतः उपयोग में आने वाले डिटर्जेंट में पाए जाते हैं, जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं वॉशिंग पाउडर, तो उसमें क्या पाया जाता है? PH, ABS, PN या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन आपका जो है करेक्ट थर्ड ABS पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक शंख, सीपी आदि में रहकर प्राणियों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होते हैं? तो कौन से हानिकारक होते हैं? ये होते हैं आपका फर्स्ट यानी कि कॉपर एंड जिंक, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो आपको बताना कि वो कौन सी बीमारी है जो प्रदूषण के कारण बढ़ जाती है या फिर क्या होता है प्रदूषण के कारण वो फैलती है, तो वो आपको बताना है। इसमें जो आपका फर्स्ट है वो है आपका सकरवी, सेकंड है रियूमेटिज्म, थर्ड है हीमोफीलिया और फोर्थ है आपका ब्रोंकाइटिस। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका फोर्थ यानी कि ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं। जल प्रदूषण का प्रमुख कारक है, तो वाटर पोल्यूशन का प्रमुख कारक क्या है? धुआं, साबुन, औद्योगिक ताजते या फिर अमोनिया? तो आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा सेकंड यानी कि डिटर्जेंट। नेक्स्ट देखते हैं। हानिकारक विकिरणों से हमारा बचाव करता है, हानिकारक विकिरणों से हमारा कौन बचाव करता है? अभी हमने देखा कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनसे हो जाता है, कौन बचाता है हमें? ओजोन मंडल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचाता है, ऐतिहासिक स्मारकों को कौन क्षति पहुंचाता है? या आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में भी। तो बेसिकली क्या होता है, जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन में क्या होता है, नाइट्रोजन एंड सल्फेट के ऑक्साइड होते हैं और वाष्प के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की रोशनी से पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है जिसमें उत्पादित होता है, तो रोशनी में जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं उसमें से क्या होता है बेसिकली? इसमें होता है आपका O3, O3 से आपका O3 है जो आपको बचाता है। इनमें से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषण नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन? तो आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है किंतु प्रदूषक नहीं है? तो ऊर्जा का स्रोत कौन सा है इसमें से वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यानी कि सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का स्रोत तो है लेकिन उससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है।
अगर आप ज्यादा से ज्यादा विकिरण किरणों के संपर्क में आएंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा? टीबी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, रिकेटस हो जाएगा या फिर स्कर्वी हो जाएगा? तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा थर्ड, कैंसर हो सकता है। 23rd ग्रीन हाउस इफेक्ट के उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है वो आप सबको पता होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बेसिकली जो दो मेन कारक होते हैं वो होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन। तो आंसर नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 24th हमारा क्वेश्चन नंबर है वो हम यहाँ पर देखते हैं। वायुमंडल दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करेगा। अगर वायुमंडल दाब है वो अचानक से गिर जाता है तो ये किस बात का संकेत है कि वर्षा होगा, स्वच्छ मौसम होगा, शीतलहर होगा या फिर तूफान होगा? तो आंसर इसका जो करेक्ट है आपका वो है आपका यहाँ पर था यानी तूफान का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मृदा को प्रदूषित करता है? तो मृदा को कौन प्रदूषित करता है? गोबर की खाद, आर्सेनिक, यूरिया या फिर हरी खाद? आंसर जो आपको करेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका सेकंड यानी कि आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र में कौन सी विषैली गैस का रिसाव था? तो कौन सी विषैली गैस का रिसाव था वो आपको बतानी है। जो भोपाल में जो संयंत्र हुआ था आप सभी को पता होगा कि भोपाल में जो के कारण विषैली गैस फैल गई थी, वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेजरी हो गई थी, तो उसके कारण जो गैस थी बेसिकली वो क्या थी? मेथिल आइसोसाइनाइड। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। प्रदूषित वायु में श्वसन लेने से क्या होता है? अगर आप प्रदूषित वायु में श्वसन लेंगे, सांस लेंगे तो क्या होगा? श्वसन रोग हो जाएंगे। अमल वर्षा का मुख्य अवयव है, तो अमल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? अमल वर्षा क्यों होती है, क्या है इसमें मेन? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिटिक और कार्बनिक। तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रेट होते हैं, नाइट्रेट ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि सल्फ्यूरिक अमल आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं 29 की ओर। 29 है, स्वचालित वाहनों में पेट्रोल के जलने पर वायु प्रदूषण होता है क्योंकि, क्यों होता है वो कारण आपको बताना है कि जल वाष्प उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2, CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन बनते हैं या फिर बिना अभिक्रिया किए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा विसर्जित होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण से मृत्यु हो जाती है क्योंकि, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम बोलते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी जला के नींद सोना चाहिए क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है तो उससे मृत्यु हो जाती है, क्या कारण क्या होता है उसका? क्योंकि वो क्या होता है कि रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ आप में वो मिल जाती है और रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर इसका करेक्ट रहेगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस नंबर सेट 7 यानी कि अभी तक हम कर चुके हैं 180 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं 181 क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? वो होता है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहभागी है? विज्ञान क्लब, शरबत दृश्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक या शाम पर? तो आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? साइंस क्लब, विज्ञान क्लब, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हो? मिश्रण, नहीं मिश्रण तो मिलाना होता है, छानना, पृथक्करण या फिर ऊर्ध्वपातन? तो आंसर आपका रहेगा सेकंड, पृथक्करण, यानी कि जो चीजें आप छाटते हो उसमें से किसी चीज को अलग अलग करना तो पृथक्करण कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? शरबत दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, चार्ट एवं ग्राफ शरबत दृश्य सामग्री है, चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है या फिर शिक्षण में कुशलता के लिए दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है? आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा वो आपका फर्स्ट है कि सुनना और देखना दोनों ही सामग्री स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होती है, हेल्पफुल होती है। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं? परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी, पायलट स्टडी या फिर अंतरिम प्रारूप? तो आंसर है आपका जो वो है आपका थर्ड यानी कि पायलट स्टडी। नेक्स्ट, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, जो जलीय जंतु है तो उसमें श्वसन होता है कैसे? फेफड़ों द्वारा, पुस्तक फुफ्फुस द्वारा, वायुकोष द्वारा या फिर गलफड़ों द्वारा? तो आंसर है आपका फोर्थ, गलफड़ों द्वारा। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं, शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? अनुकूलन, रूपांतरण, परिजीविता या इनमें से कोई नहीं? तो जो आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा वो है आपका फर्स्ट, अनुकूलन। घड़ी के स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक, प्रकाश, ऊष्मा या फिर विद्युत? ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो आपका फर्स्ट यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होती है घड़ी के जो स्प्रिंग
होते हैं उसमें। नेक्स्ट है कि पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं हम, क्यों, कौन सा होता है वो बेसिकली, तो क्लोरीन तो आप होता ही है, क्लोरीन तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके अलावा जो होता है वो होता है पोटाशियम परमैंगनेट, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्न को सावधानी से देखिए, तो ये यातायात में से किसी का संकेत है, तो आपको बताना है कि ये किसका संकेत है। तो जो आप ये संकेत देख पा रहे हैं ये बेसिकली खराब सड़क का संकेत है, तो 10th ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ के खत्म हुए हैं प्रैक्टिस, अब देख बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और 11 जो हमारे क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि क्या है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो फिर से आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि यह वीडियो हम बाकी हर सब्जेक्ट की बनाने वाले हैं। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है, छोटी माता और रेबीज किसके कारण होती है, वो होती है वायरस से। हम भोजन करते हैं, पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है, कहाँ होता है अवशोषण वो आपको बताना है। अगर आपने पाचन तंत्र अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका क्वेश्चन जरूर आता होगा, तो छोटी आंत की दीवार से होता है बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश, प्रणहरित। तो आंसर जो आपका बेसिकली यहाँ पर होगा ये आपका थर्ड है, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और प्रणहरित भी चाहिए, प्रणहरित इज बेसिकली क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखते हैं 14th, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो बेसिकली 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु क्या है, मोर, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, तो बेसिकली आपका 15th का फर्स्ट है और 14th का आप लोगों को बताना है, तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, मैं यही देख रही थी कौन बच्चा बताता है। तो जो थर्ड है बेसिकली 98.6 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं, ये हमारा मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। आंसर जो आपका है यहाँ पर, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से ढांचा मात्र रह जाता है मानव शरीर, तो इतनी सारी एड्स आती है कि तंबाकू का सेवन ना करें, वो इसलिए आती है। ऊन प्राप्त होती है, ऊन किस किस से प्राप्त होती है ये सब आपको पता ही है, तो भेड़ से भी आप ऊन ले सकते हैं, ऊंट से भी और याक के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बंदर, शेर और चूहे के घर कर्मशः है, तो बंदर है, शेर है, चूहे कहाँ रहते हैं, तो बंदर कहाँ रहता है, बंदर जो बेसिकली रहता है पेड़ पर, शेर रहता है गुफा में, चूहा रहता है बिल में, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपघटक, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, तो टिश्यू कल्चर का उपयोग जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए या फिर आनुवंशिकी के लिए, तो ये उपयोगी है आपका आनुवंशिकी के लिए। इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, तो चलिए अब चलते हैं हम 21st क्वेश्चन की ओर, उसमें देखते हैं कि क्या पूछा गया है आपसे। ट्वेंटी फर्स्ट है कि बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, कैसे निर्धारण होता है, सिर्फ माता के गुण सूत्रों से, पिता के गुण सूत्रों से या दोनों से, तो आंसर आपका 21st का क्या होगा, पिता के गुण सूत्रों से। क्यों, क्योंकि लेडीज में तो XX होता है और हस्बैंड में क्या होता है XY, तो जब XX होता है तो लड़की और XY होता है तो लड़का, तो ये पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। त्वचा का मुख्य संगठक कौन है, तो त्वचा का जो मुख्य संगठक है वो है आपका कोलेजन। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, जब आप सोते हैं तो रक्त परिवर्तन क्या होता है, घटता है रक्त परिवर्तन, रक्त दाब आपका। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC जो इसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, रक्त को शुद्ध करना, शरीर के विभिन्न अंगों तक तो खाद्य सामग्री पहुंचाना, रोगों से रक्षा करना या फिर इनमें से कोई कार्य नहीं, तो आंसर आपका जो यहाँ पर होगा वो होगा आपकी रोगों से रक्षा करने में मदद करनी है WBC। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक स्राव से शरीर पर प्रभाव पड़ता है, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है, जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है कि शरीर की असंतुलित अतिवृद्धि विकास होता है, तो ये बेसिकली आपका
सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 की, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि इसमें मुख से उत्पन्न होती है। अंधेरे में चमगादड़ क्यों उड़ पाता है? क्योंकि उसके मुंह से अल्ट्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। तो ये आपको याद रखना है 26 का थर्ड। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि चमगादड़ के मुख से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 पर हम पहुंच जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या पूछा गया है 27 में। 27 जो क्वेश्चन है वो आपको बोलता है कि उत्तक यानी कि टिश्यूज इनमें से किससे बनते हैं। तो टिश्यूज किससे बनते हैं? टिश्यूज हमारे जो बनते हैं वो आपस में जो भी एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाओं से बनते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 28। पौधा के रस को चूस लेने वाले सबसे छोटा कीड़ा होता है, सबसे कीट होता है कौन सा होता है? वो होता है आपका थर्ड, टिड्डा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था फोर्थ यानी कि डार्विन ने। मांस या मछली जिस पर नमक छिड़क दिया जाता है वे लंबे समय तक मोल्ड और बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लवण मांस में नमी शोषित कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है प्रैक्टिस नंबर 7 यानी कि अभी तक क्वेश्चन कर चुके हैं टोटल 210। अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी को बिल्कुल याद रखना है। ये मोस्टली बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लगभग हर जीएस में मिल जाता है आपका, यानी कि हर कम्पिटेटिव एग्जाम के जीएस अक्षर में आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है 1 जून और सेकेंड आपका 5 जून। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सेकेंड, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किससे संबंधित है? इकोलॉजी किससे संबंधित है ये अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। देखो एक जगह था बायोटिक एबायोटिक, एक जगह था जीवीय अजीवीय, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कुछ उससे मिलता जुलता क्या दिखाई दे रहा है? तो ये है बेसिकली जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से। प्रदूषित पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, नहीं होता है, कम होता है, अधिक होता है या सब होते हैं? तो बेसिकली अधिक होता है प्रदूषित पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। संयुक्त राज्य का 11वां जलवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य का 11वां जो सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था मॉन्ट्रियल में। सेकंड ऑप्शन, अमल वर्षा का मूल कारण काफी बार हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इस तरीके के काफी अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेटमेंट चेंज करके। तो नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स और सल्फेट्स आपको याद रखने, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख वायु प्रदूषक है? तो वायु प्रदूषण किससे होता है? बेसिकली वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं फैलाती? वायुमंडलीय प्रदूषण कौन सी गैस नहीं फैलाती है आपको पता है? तो ऑक्सीजन नहीं फैलाती है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। वह परितंत्र जिसका निर्माण मानव स्वयं करता है क्या कहलाता है? तो ऐसा कौन सा परितंत्र जिसका निर्माण खुद करता है वो है जीव भार, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, त्वचा कैंसर की दर में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण क्या है? कि स्किन कैंसर क्यों होता है? स्किन कैंसर किसके कारण होता है? दृश्य प्रकाश में पराबैंगनी किरणों के कारण। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं कि पराबैंगनी किरणों से कौन सा डिजीज होता है। तो आपको ये याद रखना है कि कैंसर होता है, और जहां पर स्किन कैंसर की बात करें तो वहां तो आपको याद रखना ही है कि किरणें भी पूछ सकता है, सो पूछ सकता है, कौन सा कैंसर होता है ये भी पूछ सकता है, और कैंसर होता है ये वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। भूमि प्रदूषण, अब सोयल पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सोयल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? शहरी कूड़ा बिल्कुल होगा उससे, खेतों में प्रयुक्त कीटनाशक उससे भी होगा, जंगलों की कटाई उससे पॉल्यूशन नहीं होगा, इरोजन होगा। तो फोर्थ ऑप्शन का आपका फर्स्ट और सेकंड ये ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों द्वारा अपविघटनीय प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? सेकंड ऑप्शन डीटीडी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर फेफड़ों के कैंसर लंग कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो लंग कैंसर का मुख्य कारण है धूम्रपान, स्मोकिंग से होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। वायुमंडल में ओजोन स्तर को कम करने के लिए उत्तरदायी है, ओजोन स्तर को कम करने के लिए कौन उत्तरदायी है? किसकी वजह से जो है सबसे ज्यादा क्षय होता है, यानी कि उसका थोड़ा डिस्ट्रॉय होती है वो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये वाला आपका है। ताजमहल को क्षति पहुंच सकती है, ताजमहल को क्षति किससे पहुंच सकती है ये आपको बताना है। तो ताजमहल तेल रिफाइनरी से निकलने वाले वायु प्रदूषकों से पहुंच सकती है। रेडियोधर्मी स्ट्रोंशियम जो ऊपर से गिरता है वह है, जो रेडियोधर्मी स्ट्रोंशियम है बेसिकली वो क्या है? वो है आपका SR90। मृदा प्रदूषण यानी कि सोयल पॉल्यूशन के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। तो अम्लीय वर्षा से होता है, खाने से प्राप्त जल या फिर उर्वरकों व कीटनाशकों का अत्यधिक प्रदूषण से। तो जो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका फोर्थ करेक्ट है। तीनों ही ऑप्शन जो है इन सभी से वायु प्रदूषण आपका होता है।
बात कर लेते हैं हम 17 की। 17 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो हम एक बार देख लेते हैं। या 17 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम और फिर हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है। ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति हो जाता है, बहरा हो जाता है, इमारत गिर जाती है, भवन विक्षोभ हो जाता है, तो बेसिकली क्या होता है, विक्षोभ होता है। ध्वनि की नापी जाती है तो ध्वनि की तीव्रता को मापने का इसमें मांगते हैं डेसिबल में। इवन किस के कारण हे फीवर रोग होता है, हे फीवर जो होता है वो आपका किसके कारण होता है, वो आपका होता है पराकरण के कारण, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। विकिरण प्रदूषण उत्पन्न होता है, विकिरण प्रदूषण कैसे होता है तो विकिरण प्रदूषण के लिए आपका जो है उत्परिवर्तन से भी होता है कैंसर भी, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, अमल वर्षा संगमरमर को भी प्रभावित करती है, नाइट्रोजन और फसल की उत्पादकता को कम करता है, अमल वर्षा से मिट्टी और जलवाष्प प्रदूषित होता है या उपरोक्त सभी, तो 21 का जो आपका है वो आपका है फोर्थ, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर यहां पर आएगा। फोटोकेमिकल स्मोग होता है, तो फोटोकेमिकल जो स्मोग होता है वो आपको बताने के किससे होता है, वो आपका होता है NO2, O3 और पैन से। ब्लू बेबी रोग, ब्लू बेबी डिसीज किस कारण होता है, तो ब्लू बेबी डिस की अगर हम बात करें तो ब्लू बेबी डिसीज होता है वायु में नाइट्रेट की अधिकता से। पृथ्वी के वायुमंडल उपस्थित ओजोन स्तर यानी कि O3 के रिगार्डिंग आपका कौन सा सेंटेंस सही है आपको यहाँ पर बताना है, तो जो सेंटेंस सही है वो है फर्स्ट, प्रबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 25। पैन का निर्माण होता है, तो पैन का निर्माण किससे होता है, पेट्रोलियम पदार्थ के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपूर्ण दहन होता है है, तो उससे होता है। प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है, वेस्ट है, प्लास्टिक किस कैटेगरी में आता है, प्लास्टिक आता है जो है प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो जीवों द्वारा अविघटनीय प्रदूषक है, यानी कि इसको बायोडिग्रेडेबल होने में काफी टाइम लग जाता है। अमलीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, अमलीय वर्षा का प्रमुख कारण काफी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो आपको आना चाहिए आंसर SO2 की मात्रा में बढ़ोतरी। मिनी माता रोग होता है, मिनी माता रोग क्या होता है, जल में मरकरी के प्रदूषण से ये होता है मिनी माता। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न या राग यानी कि जो फ्लाइश करते हैं उसकी मात्रा को कम करते हैं, उसकी मात्रा को जो है विद्युतीय अवशोषण यानी कि इलेक्ट्रोसोनिक परसेप्शन द्वारा उसको कम करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन से वायु प्रदूषण नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों ही से वायु प्रदूषण को करने के लिए जिम्मेदार होती है। प्रैक्टिस सेट 9 पर चलते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू की आदत किससे होती है, कोकीन, निकोटीन, कैफीन, हिस्टामिन, तो तंबाकू की जो आदत है वो किससे होती है, वो निकोटीन से होती है। निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ है, जो आपने नीचे दिया गया है वहां एक यातायात का संकेत है, वो आपको बताना है कि कौन से यातायात का संकेत है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है संकरी पुलिया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, डेंगू रोग का वाहक है, तो डेंगू रोग बेसिकली कैसे होता है, डेंगू रोग एड्स से, क्यूलेक्स से, घरेलू से या फिर एनोफिलीज से, तो डेंगू रोग होता है एड्स मच्छर से, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, तो मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है यकृत, सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो पल्स कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना है, कि जड़ से उसको उखाड़कर फेंकना। कुत्ता मछली का आवास, कुत्ता मछली का आवास है, कुत्ता और मछली कहाँ रहते हैं, फोर्थ समुद्र में, कुत्ता मछली कहाँ रहती है, समुद्र में। सीएनजी का पूरा नाम आप सबको पता होगा, सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, जो अब गाड़ियों में यूज करते हैं उसकी फॉर्म है ये। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु हैं, राजस्थान राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, पक्षी है घोड़ावड़ और चिंकारा है जंतु, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, तो जो अणुओं की दूरी जो न्यूनतम होती है सबसे कम वो होती है ठोस में, फिर द्रव और फिर गैस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर ठीक रहेगा। निम्नलिखित
में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो वेग अगर अधिकतम पूछा गया है तो वो होता है प्रकाश का, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो सौर सेल द्वारा आप बेसिकली प्रकाश ऊर्जा को आप बदल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हवा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। कुछ लोग कंफ्यूजन होते हैं कि ऑक्सीजन है, ये आप हमेशा याद रखिए नाइट्रोजन है सबसे पहले 78, ऑक्सीजन 91 और बाकी 1% गैस आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और गैस इस तरीके के। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा के नवीकरणीय के स्रोत की बात करें तो ये पौधे है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर और फिर हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। ओजोन परत मिलती है, ओजोन परत कहाँ मिलती है? ओजोन परत मिलती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में। निम्न तापक्रम पर किस जंतु की प्रसूति यानी कि डोरमेंसी को कहते हैं? निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को आप क्या कहते हैं? उसको आप जो नाम देते हैं वो नाम है हाइबरनेशन। कीमती प्रवाल यानी कि कोरल्स किस संघ से संबंधित है? तो कोरल्स किस संघ से संबंधित है आपको यहाँ पर बताना है, तो कोरल्स सिलेंग्रेटा यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। लाइसोसोम्स क्या है बेसिकली? लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स अगर आपने सुना है तो ये पाचन केंद्र में इस टर्म को लिया जाता है नाम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको ध्यान से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर ऑक्सीजन का केंद्र है, थायराइड ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है ये लिखा गया है, या फिर सेंट्रोजोम कोशिका विभाजन प्रारंभ करती है, या फिर मिथेसिस युग्मक निर्माण के दौरान घटित होता है। तो ऑप्शन जो आपको यहाँ पर करेक्ट है वो आपका सेकंड है, थायराइड ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का निर्णय होता है? तो ये ऑप्शन बनाना है, ये है आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अर्धसूत्री विभाजन, ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर विकास की प्रक्रिया में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए जंतु के आधार पर निखित जंतु समूह का सही क्रम आपने बताना है, तो सही क्रम अगर आप बात करेंगे तो प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रा, एनिडा, तो ये सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट रहेगा। किसके दूध में वसा अधिक होती है? गाय में, भैंस में, ऊंट में, या फिर रेंडियर में? तो वसा की अगर हम बात करें फैट की, तो रेंडियर के दूध में फैट में ज्यादा होता है। एक व्यक्ति में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए व्युत्पन्न होता है, तो कैसे होता है? ये आपका माता से। पलोमान जीन यानी कि जंपिंग जीन नाम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन जो किया उनका नाम था बारबरा मैक्टिंग्लॉन्ग, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, तो 25 हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है 25 में आपसे। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का उपयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना हो, तो इस तकनीक को क्या कह सकते हैं आप? इस तकनीक को जो आप नाम देंगे वो देंगे अंकरण, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? तो सर्पों की जो विष ग्रंथियां वो किसकी समांग है? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका केशोरी परिणाम की लार ग्रंथियां। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम 27 में क्या पूछा गया है। सूची 1 और सूची 2 का सुमेल करना है आपको, और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है, तो आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच करता है। तो एक बार मिलान कर लेते हैं फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट रहेगा। पंखहीन कीट क्या है इसका? इसका जो आएगा वो आएगा आपका रजत मिनहाब, ठीक है। उड़ान रहित पक्षी कीवी होता है, तो इसी तरीके से अगर आप मैच करेंगे तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा वो आपका होगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किस काम के लिए करता है? तो कूट जो का प्रयोग करता है वो करता है बेसिकली वसा के संग्रह के लिए, फैट स्टोर के लिए। जय फिल्म क्या होती है? जय फिल्म क्या होती है? जय फिल्म में बेसिकली क्या किया जाता है? शैल, दांत, ताल, बिंदु आदि के परस्पर संचित सूक्ष्म जीव होते हैं। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ से मां से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है वो आपको बताना है, तो खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब आते हैं हम प्रैक्टिस थर्ड 10th की ओर,
यानी कि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं 270 क्वेश्चन हम यहाँ पर तक कर चुके हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है ये आपको ये बताना है। तो जो ये पार्क आपको मिलेगा वो एक बार बताइए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो आपके जो आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में करते रहिए ताकि आपको भी लास्ट में पता चले कि आपने कितना अच्छा किया है, कितना सही स्कोर किया है। तो आंसर जो है आपका ये है आपका थर्ड, यानी कि मध्य प्रदेश में है जीवाश्म नेशनल पार्क, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व नहीं है, सॉरी नहीं है, आपको बताना है सरिस्का, सुंदरवन, कान्हा या काजीरंगा। तो आपको बताना है काजीरंगा टाइगर रिजर्व नहीं है, यहाँ पर एक सिंह का गैंडा और ये सब मिलता है असम में। शीतकाल में आपको भारत के साइबेरियन सारस प्राय कहाँ दिखाई दे सकते हैं? तो शीतकाल में अगर आप साइबेरियन सारस को आप देखिए तो वो आपको दिखाई देंगे डाचेंगम नेशनल पार्क, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। काट जेना प्रोटोकॉल का संबंध है वन्य जीवों के अवैध व्यापार से, वायु प्रदूषण के उन्मूलन से, वनों के संरक्षण से या फिर जैव सुरक्षा समझौते से। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है जैव सुरक्षा समझौते से, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है हमसे। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, तो दंडकारण्य प्रदेश कहाँ स्थित नहीं है ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट रहेगा। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है वंदना शर्मा ने, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक विविधता पाई जाती है? तो जो जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी यानी कि केरल में। भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? चीता आरक्षण स्थल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो है आपका नागार्जुन में, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ने के लिए हम चलते हैं नीचे वाले पेज पर और क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं अभी। कार्बन चक्र यानी कि कार्बन साइकिल का सही प्रक्रम कौन सा होता है? तो कार्बन साइकिल का अगर हम सही प्रक्रम की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण, उपभोक्ता अपघटक, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरी नामक जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं आपके सुंदरवन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। इन्हीं वन के नाम से यहाँ का नाम सुंदरवन पड़ा है। भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? जो सर्वाधिक कुल के सदस्य पाए जाते हैं वो है आपका ऑर्थोपोंडा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 12। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतु और पादपों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं जैव विविधता, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वह अन्योन क्रिया जिसमें एक आबादी जो पक्षी रूप में होता है उसे लाभ पहुंचाता है दूसरी आबादी की तुलना में, जिसका शिकार व संबंध होता है और प्रेय की वांति होती है और परभक्षी सामान्य प्रेय से बड़ा होता है कहलाती है। तो आंसर जो यहाँ पर करेक्ट है वो आपका है परजीविता, 13 है तो परजीविता ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। जल निगमन पौधों में तने कोमल और कमजोर होते हैं, क्यों होते हैं? कि जो जल में डूबे हुए पौधे होते हैं उनके तने कोमल होते हैं और कमजोर होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि आधारी उत्तक और दारू कम विकसित हो पाते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कि खाद्य प्रकाश एवं स्थान स्पेस के लिए तीव्र संघर्ष है, तो ये संघर्ष एक ही प्रकार के आवास में वृद्धि करते हुए निकट संबंधित जातियों में है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत में अन्न उत्पन्न करने वाले वाइल्ड रिश्तेदारों की संख्या उत्पन्न लगभग है कितनी है? जो अन्न उत्पन्न करने वाले रिश्तेदार हैं, तो उसकी बेसिकली संख्या है कि 320, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो 1990 में हुआ था उसका परिणाम क्या था? तो बेसिकली उसका परिणाम है जैव विविधता पर संयोजन तथा उपसंधि। जैव विविधता पर उपसंधि कब से लागू हुई? तो जैव विविधता पर उपसंधि जो लागू हुई वो आपकी 29 दिसंबर 1993 से। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? सबसे पहले जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र आपका हुआ ओडिशा में। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है कहाँ पर स्थित है? तो जो ये आपका स्थित है ये आपका श्रीलंका में, सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? तो विश्व धरोहर स्थान आपका है सेकंड यानी कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। जैव साम्यावस्था यानी कि बायोलॉजिकल इक्वेरियम ऐसी साम्यावस्था है, कैसी साम्यावस्था वो आपको बताना है। ऑप्शन देख
लेते हैं एक बार। जो केवल उत्पादकों के मध्य रहती है, जो उपभोक्ता तथा अपघटकों के मध्य बनी रहती है, जो उत्पादक तथा अपघटकों के मध्य रहती है, जो उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य रहती है। तो आंसर जो आपका करेक्ट है यहाँ पर है, जो उत्पादक तथा उपभोक्ता अपघटकों के मध्य बनी रहती है। जैविक पेस्ट नियंत्रण क्या जाता है, तो जैविक पेस्ट को नियंत्रण कौन करता है, बिच्छू व मकड़ियों द्वारा। सेकेंड ऑप्शन पर करेक्ट है। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, किस प्रकार की जैव विविधता का प्रयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो यह है आपका फर्स्ट अनुवांशिक विविधता, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। लवणोद्भिद वनस्पतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो ये ऐसे पौधे सजीवी होते हैं, ये वाला कथन सत्य नहीं है, बाकी तीन कथन सत्य है। सुमेलित कीजिए, इसमें भी आपको मिलाना है कि नंदी नीलगिरी, नंदा देवी, कंचनजंगा, अमरकंटक, और स्थापना वर्ष दिए गए कि किस स्थापना कब हुई। अगर आप इसका मिलान सही से कर पाएंगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 28 आपका, आपको इसमें भी सुमेलित करना है, तो इसमें है बेसिकली कस्तूरी मृग, गिरबंद, श्यामल और गौर, तो ये इस तरह वन्य जीव दिए गए और क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसमें आपको सुमेलित करना है। अगर आप इसको सुमेलित करोगे तो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फोर्थ, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है, तो इसमें जो कथन सही है वो है घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। या फिर संकर फसलों एवं पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, ये वाला सही है। या फिर व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक है, जैव विविधता कम होती है, ये सही है। या फिर उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात होता है, ये वाला सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये तीन ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फोर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है, तो चार कथन दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है, ये वाला कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 11 की ओर हम बढ़ते हैं, तो चलिए देख लेते हैं 11। इसके साथ हमने 300 क्वेश्चन कर लिए हैं और हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। तो प्रैक्टिस सेट 11 में हम देखेंगे कि इसमें भी 30 क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग आपके 900 क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आपके कंप्लीट होंगे।